हम सब तैयार हो चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ की ये मान्यता मानी जाती है कि अगर किसी इंसान को सांप ने काट लिया और एक रात में इस मंदिर में रखेंगे उस इंसान को जिसको सांप ने काटा होगा, तो ना सांप का काटा हुआ बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से घर जाऊं। और इसी के नीचे में ना बाबा केदारनाथ वास करते हैं। एक्सीडेंट हुआ, अब दोनों बेटा थे गाड़ी में, जो दुनिया वाली पी करके मर गए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज हम सब तैयार हो चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह। जय माता दी, जय माता दी। और सब तैयार हो चुके हैं, हर हर महादेव। चलो भाई, बाकी जिस मंदिर में हम जा रहे हैं ना, तो वहाँ की मान्यता है कि किसी इंसान को सांप ने काटा होगा, एक रात मंदिर में रखने से वो इंसान बिल्कुल भी ठीक हो जाता है, किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब पहले के लोग मानते थे, अब ऐसा नहीं होता है, पर ये अभी भी होता है क्योंकि ये माता की शक्ति है। बाकी हम जा रहे हैं कंडाली मंदिर में। मेरे गांव के लोगों को ना कीर्तन मंडली वाली महिलाओं को वहाँ इनवाइट किया था क्योंकि वहाँ शिव पुराण है। तो अभी सीधे चलते हैं भाई कंडाली मंदिर में। हमारे पास कई गाँव है, उतना पास भी नहीं है, पर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है। ये रही भाई हमारी पूरी कीर्तन मंडली। शमशान कुछ तो चले गए और कुछ लोग अब आ रहे हैं, और दिन के 11 भी बज चुके हैं। सामने के पहाड़ देखो भाई कितने मस्त दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपको एक बार बता दूं, ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, चार ये चोखम्मा पीक है और इसी के नीचे में ना बाबा केदारनाथ वास करते हैं। अभी ना सब लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं क्योंकि अभी ना कुछ ही लोग आए हैं, अभी बहुत लोग नहीं आ रहे, वो पता नहीं कहाँ रह गए, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। आ गई भाई हमारी पूरी कीर्तन मंडली, बड़ी मुश्किल से पहुंची ढोलकी वाले। रास्ते तो दो हैं पर अभी ना हम शॉर्टकट का रास्ता ले रहे हैं। हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते क्योंकि जंगल के रास्ते ना हमको पास पड़ता है। और दिन के 12 भी बज चुके हैं, हमने ना घर से हम 10 बजे आ गए थे और अभी हम आधा किलोमीटर भी नहीं चले, आराम से बैठ बैठ के जा रहे हैं भाई। आने लगे और बहुत लोग तो अभी आए नहीं भाई। आओ आओ, नहीं नहीं बुआरी दादी। यहाँ सामने पे लग रखा है कंडाली का स्कूल और अभी वहाँ पे क्लास चल रही है। बाकी ये जो आपको नदी दिख रही है ना और वो रोड दिख रही है, ये जाती है अगस्त मुनि के लिए, और ये तिलवाड़ा दिख रहा है थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे अभी इनका कुछ डिस्कस चल रहा है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं मनीषा और मनीषा, दोनों का नाम मनीषा मनीषा, इसलिए घर में मेंढकू एंड कालू बोलते हैं। ये मुश्किल से आए भाई ये सब। एक पता नहीं कहाँ बैठ रखे, ऐसे लग रहे पता नहीं कहाँ से निकल रखे ये भाई। चाची जी भी आ गई जो कि हमारे पूरे ब्लॉग देखती है, चाची जी भाभी जी। हेलो, अच्छा बाकी इतना टाइम लगाने के बाद फाइनली हम कंडाली गांव में पहुंच चुके हैं और वहां नीचे पे चल रही है भागवत, हमें वहां पे जाना है। बाकी यहां पे पीते हैं ठंडा ठंडा सा पानी। हर हर महादेव, महादेव का धारा है वो। हाँ, फाइनली पहुंच चुके हैं महादेव जी के पास। बाकी सामने चारों तरफ के नज़ारे देखो भाई कितने हरे भरे हैं। बाकी यहाँ से ना चारों तरफ के गांव बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, वो रहा कुमड़ी गांव, पाली गांव, कंडाली, जैली, चारों तरफ बिल्कुल खुला ही खुला गांव है। मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। देखो जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये कुछ बिछा रखा है, बिछा नहीं रखा है, पूरे चावल ऐसे बिछा रखे हैं उन पे रंग करके,
और कितना ही खूबसूरत लग रहा है भाई ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तुम्हारा जो गलत कर्म हुआ, जो तुमने असत्य संभाषण किया, जो तुमने झूठ बोला, उस असत्य का फल तुम एक मुख से विहीन हो गए। बाबा मेरा लोने में ना टैक्स दिया है, बिल्कुल बड़ी टैक्स नहीं बोलन, मैक्स नहीं बोलन। सनातनी सबसे पहले छोड़ता है सनातन। उस मार्ग में एक्सीडेंट हुआ, अब दोनों बेटा थे गाड़ी में, ये जो दुनिया वाली पी करके मर गए। अब यंत बोरी शोक भी क्या करना, अपनी गलती मर गई। मुझे आंटी जी मिली हैं जो कि हमारी सब्सक्राइबर। धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहना। तो गाइस अभी शाम के ना 5 भी बज चुके हैं, बाकी हमें घर ना इतनी दूर जाना है, 5-6 किलोमीटर दूर, और रात भी होने ही वाली है, तो फटाफट से चलते हैं। बाकी कथा सुन के इतना अच्छा लगा ना गाइस, अभी ना हम एक मंदिर से ऊपर आ चुके हैं, बाकी शिव पुराण सुन के इतना अच्छा लगा ना, और मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से घर जाऊँ, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई, बस मैं सुनती ही रह गई। अभी ना मैं आपको कंडाली के प्रसिद्ध एक खास मंदिर में ले जाती हूँ, रहा वो खास मंदिर जहाँ का नाम है इंद्रसेनी माता का मंदिर। बाकी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर। कभी माता जी के दर्शन कराते हैं माँ इंद्रसेनी माता जी के। बाकी मैं सुबह आपको बोल रही थी कि आज हम एक खास मंदिर जाने वाले हैं, तो यही वो मंदिर है, माता इंद्रसेनी माता जी का मंदिर। यहाँ की ये मान्यता मानी जाती है कि अगर किसी इंसान को सांप ने काट लिया और एक रात में इस मंदिर में रखेंगे उस इंसान को जिसको सांप ने काटा होगा, तो ना सांप का काटा हुआ बिल्कुल ठीक हो जाता है, कहीं डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, दवाई लाने की जरूरत नहीं है। और ये मंदिर ना हमारे घर के पास होने के बाद भी मैं इस मंदिर में दूसरी बार आई हूँ। एक बार तो बचपन में आई थी जब मैं उत्तराखंड आई थी, और अब आज दूसरी बार आ गई। जय माता दी। कि आज के दिन ना इतने देवी देवताओं के दर्शन हो गए और शिव पुराण भी सुन ली, तो इतना अच्छा लग रहा है ना। तो अभी ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा तिबारे भी आऊँ यहाँ पे कथा सुनने के लिए। तो अभी ना टाइम भी हो चुका है, आज ना हमने गाड़ी बुलाई है क्योंकि लेट हो गया घर जाने के लिए, अगर पैदल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो गाड़ी आती होगी, तब तक कि मैं चलती हूँ ऊपर सड़क में, जो मेरे साथ थी वो तो भाग गई। अभी हमें गाड़ी तो मिल गई हमारे यहाँ की, पर एक की गोदी में ना 3 बैठे हैं, और जिसकी गोदी में हम बैठे हैं ना वो सबसे छोटी बच्ची है भाई, 50-50 किलो के 2 वजन बैठ रखे हैं लड़की की गोदी में। निकिता गाइस फाइनली हम गाड़ी में अपने तैला गांव भी पहुंच चुके हैं, बाकी लोग भी पेड़ काट के लिए आए हैं, पेड़ की टहनियां पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भैया और टाइटन मजे से खेल, हेलो टाइटन, खुश हो गया है, हेलो टाइटन, हो गया, काम कर रखा है सारा। ये देखो मेरे को मार के गए थे, ये अब आ रहे हैं, रात होने वाली है, देखो शाम के 6:30 बज चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं। आप हो घर पे तो टेंशन किस बात की,
वही तो नौकर बना रखा है। तो गाइस अभी ना हमने खाना भी खा लिया है, बाकी इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।